हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। उत्तराखंड की कोविड कर्फ्यू से संबंधित एक नई अपडेट आ चुकी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से 21 सितंबर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ाकर 5 अक्टूबर तक कर दिया है। सरकार ने नई SOP जारी की है। इस SOP में भी कोई राहत नहीं दी गई है, पुरानी जो बंदिशें हैं वो ही बरकरार रहेंगी 5 अक्टूबर तक। जो हमारे इस वीडियो के साथ नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या अनिवार्य रहेगा यदि आप उत्तराखंड घूमने जाना चाहते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पर्यटक किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ उत्तराखंड जा सकते हैं, किन किन नियमों का पालन करना होगा उत्तराखंड जाने के लिए। यदि आप भी उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कोविड रिपोर्ट के बारे में। उत्तराखंड में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। आप RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रख सकते हैं। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा आप एंटीजन टेस्ट और रैपिड टेस्ट भी करा सकते हैं, उनकी भी नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर आप उत्तराखंड में एंट्री कर सकते हैं। ये सभी कोविड टेस्ट आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त में करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोसेज लगवा ली हैं और दोनों डोसेज लगवाए हुए आपको 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो आप बिना कोविड टेस्ट के उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोनों डोसेज का सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। यदि आपके पास कोरोना वैक्सीन की दोनों डोसेज लगने का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य रहेगा। उत्तराखंड जाने के लिए आपको देहरादून के स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कुछ जरूरी डिटेल्स फिल करके आप आसानी से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्राप्त डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ रख सकते हैं। तो उत्तराखंड जाने के लिए आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आपको उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिल पाएगी। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखकर आप आसानी से उत्तराखंड जा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं। यदि बात करें टूरिस्ट प्लेसों की तो लगभग उत्तराखंड के अंदर सभी टूरिस्ट प्लेस ओपन है, लेकिन साथ में कोविड प्रोटोकॉल कोविड नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यदि आप भी उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे हैं तो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।